जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि गुरु बिना मुक्ति संभव नहीं है, गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता। परंतु यहाँ दो प्रश्न उठते हैं कि आखिर गुरु बनाया किसे जाए और गुरु बनने का अधिकार है किसको। गुरु की महिमा गोविंद से भी अधिक बताई गई है, पर यह महिमा उस गुरु की है जो शिष्य का उद्धार कर सके। श्रीमद् भागवत में आया है, गुरुरंस स्यात् स्वजनो न स्यात्, पिता न स्यात् जननी न सा स्यात्, देवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्यान्न मोचयेद् समुपेत मृत्युम्। जो समीप आई हुई मृत्यु से नहीं छुड़ाता वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। इसीलिए संतों की वाणी में आया है, चौथे पद चिन्हे बिना शिष्य करो मत कोय। तात्पर्य है कि जब तक अपने में शिष्य का उद्धार करने की ताकत ना आए तब तक कोई गुरु मत बनो। कारण कि गुरु बन जाए और उद्धार न कर सके तो बड़ा दोष लगता है। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परही। वह घोर नरक में इसलिए पड़ता है कि मनुष्य दूसरी जगह जाकर अपना कल्याण कर लेता, पर उसको अपना शिष्य बनाकर एक जगह अटका दिया। उसको अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर मिला था, उसमें बड़ी बाधा लगा दी। जैसे एक घर के भीतर कुत्ता आ गया तो घर के मालिक ने दरवाजा बंद कर दिया, घर में खाने को कुछ था नहीं। अब उस कुत्ते को वहाँ तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं और दूसरी जगह जा सकेगा नहीं। यही दशा आजकल चेले की होती है। गुरुजी खुद तो चेले का उद्धार नहीं कर पाते और उसे दूसरी जगह भी जाने नहीं देते। वह कहीं और चला जाए तो उसको धमकाते हैं कि मेरा चेला होकर तू दूसरे के पास जाता है। जो लोग अपनी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने, सेवा कराने और या फिर किसी लोभ लालच के वशीभूत होकर किसी को अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं, शिष्य बना लेते हैं, परंतु उसका कल्याण करने में असमर्थ होते हैं, उनके साथ क्या होता है, उससे जुड़ी हुई एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाऊंगा जो आपकी रोंगटे खड़ी कर देगी। मंत्र दोषश्च राजानाम जाया दोष है पतिम यथा तथा प्राप्नोत्य संदेहम शिष्य पापम गुरुम प्रिय। जिस प्रकार मंत्री का दोष राजा को और स्त्री का दोष पति को प्राप्त होता है, उसी प्रकार निश्चय ही शिष्य का पाप गुरु को प्राप्त होता है। दापयेत स्वकृतम दोषम पत्नी पापम स्वभर्तृ यथा शिष्यार्जितम पापम गुरु माप्नोति निश्चितम। जैसे स्त्री का दोष और पाप उसके स्वामी को प्राप्त होता है, वैसे ही शिष्य का अर्जित पाप गुरु को अवश्य ही प्राप्त होता है। एक संत के पूर्व जन्म की सच्ची घटना है। पूर्व जन्म में वे एक राजा के मंत्री थे। उनको वैराग्य हो गया तो वे सब छोड़कर अच्छे विरक्त संत बन गए। उनके पास कई साधु आकर रहने लगे। राजा के मन में भी विचार आया कि मैं इन मंत्री महाराज को ही अपना गुरु बना लूं और भजन करूं। वे जाकर उनके शिष्य बन गए। आगे चलकर जब गुरुजी अर्थात पूर्व मंत्री का शरीर शांत हो गया तो उनकी जगह उस राजा को महंत बना दिया गया। महंत बनने के बाद राजा भोग भोगने में लग गया, क्योंकि भोग भोगने की पुरानी आदत थी। परिणाम स्वरूप वह राजा मरने के बाद नरकों में गया और गुरुजी अर्थात पूर्व मंत्री ऊंचे लोकों में गए थे। नरकों को भोगने के बाद जब उस राजा ने पुनर्जन्म लिया तब उसके साथ गुरुजी को भी जन्म लेना पड़ा। फिर गुरुजी ने उनको पुनः भगवान में लगाया, पर उनको शिष्य नहीं बनाया प्रत्युत मित्र ही बनाया। उम्र भर में उन्होंने किसी को भी शिष्य नहीं बनाया। इस घटना से सिद्ध होता है कि अगर गुरु अपने शिष्य का उद्धार न कर सके तो उसको शिष्य के उद्धार के लिए पुनः इस संसार में आना पड़ सकता है। इसलिए गुरु उन्हीं को बनना चाहिए जो शिष्य का उद्धार कर सकें। आजकल के गुरु चेले को भगवान की तरफ न लगाकर अपनी तरफ लगाते हैं, अपनी मान प्रतिष्ठा और सेवा बढ़ाने के लिए लगाते हैं। उनको भगवान का न बनाकर अपना बना तो लेते हैं, यह बड़ा भारी अपराध है। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि पाप और अपराध में फर्क होता है।
पाप का फल नरक आदि में भोगने से पाप नष्ट हो जाते हैं, पर जिसका अपराध किया है उसकी प्रसन्नता के बिना अपराध नष्ट नहीं होता, इसीलिए अपराध पाप से भी ज्यादा भयंकर होता है। एक जीव परमात्मा की तरफ जाना चाहता है, उसको अपना चेला बना लिया तो अब वह गुरु में अटक गया। अब वह भगवान की तरफ कैसे जाएगा? गुरु भगवान की तरफ जाने में रुकावट डालने वाला हो गया। गुरु तो वह है जो भगवान के सम्मुख कर दे, भगवान में श्रद्धा विश्वास करा दे। जैसे हनुमान जी ने विभीषण का विश्वास अपने में न कराकर भगवान में कराया। गुरु बनना और बनाना बड़े जोखिम की बात है, कोई तमाशा नहीं है। शिष्य तो बना लें, भेंट पूजा ले लें और उद्धार करें नहीं तो क्या यह उचित है? पहले चेला बन जाओ, उद्धार पीछे करेंगे, यह ठगाई है। अपना पूजन करवा लिया, भेंट ले ली, चेला बना लिया और भगवत प्राप्ति नहीं कराई तो फिर आप गुरु क्यों बने? गुरु बने हो तो भगवत प्राप्ति कराओ, और नहीं कराओ तो आपको गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। अगर चेले का कल्याण नहीं कर सकते तो उसको दूसरी जगह जाने दो। खुद कल्याण नहीं कर सकते तो फिर उसको रोकने का क्या अधिकार है? खुद कल्याण करते नहीं और दूसरी जगह जाने देते नहीं तो बेचारे शिष्य का तो नाश कर दिया, उसका मनुष्य जन्म निरर्थक गया। अब वह अपना कल्याण कैसे करेगा? इसलिए जहाँ तक बने गुरु शिष्य का संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। गुरु शिष्य का संबंध बिना जोड़े संत की बात मानोगे तो लाभ होगा और नहीं मानोगे तो नुकसान नहीं होगा। तात्पर्य है कि गुरु शिष्य का संबंध न जोड़ने में लाभ ही लाभ है, नुकसान नहीं। परंतु गुरु शिष्य का संबंध जोड़ोगे तो बात नहीं मानने पर नुकसान होगा। कारण कि अगर गुरु असली हो और उसकी एक बात भी टाल दे, उनकी आज्ञा न माने तो है गुरु का अपराध होता है, जिसको भगवान भी माफ नहीं कर सकते। शिव क्रोधाद गुरु स्त्राता, गुरु क्रोधाद शिवो नहि, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरोर आज्ञाम न लंघेत। भगवान शंकर के क्रोध से तो गुरु रक्षा कर सकता है, पर गुरु के क्रोध से भगवान शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए सब प्रकार से प्रयत्न पूर्वक गुरु की आज्ञा का उल्लंघन न करें। राखें गुरु जौ कोप विधाना, गुरु विरोध नहीं को जगत्राता। ईश्वरीय अंश, प्रिय भाई बहनों, यदि इस वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा कहे हुए शब्दों से किसी गुरु या शिष्य को कोई दुख पहुंचाओ तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कोई भी काम हम करें उससे पहले अच्छी प्रकार से हमें सोच विचार कर लेना चाहिए। आजकल लोग गुरु बनाने में और गुरु बनने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं, बिल्कुल भी सोचते समझते नहीं। अपना अपना उद्देश्य कोई नहीं समझता, अपना कर्तव्य कोई नहीं समझता कि हमें करना क्या चाहिए। शिष्य को अपना कर्तव्य पता नहीं और गुरु को अपना कर्तव्य पता नहीं, और दोनों ने अपना संबंध स्थापित कर लिया गुरु शिष्य का। इससे आगे चलकर कई प्रकार के दोष लगते हैं, पाप लगते हैं, अपराध लगते हैं, जो क्षमा करने योग्य भी नहीं होते हैं और घोर नरक में भी जाना पड़ सकता है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप जहाँ तक संभव हो सके, जब तक कोई अच्छा गुरु नहीं मिलता या अच्छा शिष्य नहीं मिलता, तब तक इस संबंध को स्थापित ना करें। इससे अच्छा है कि प्रभु का स्मरण करें और जो हमारे वेद शास्त्रों में महिमा गुरु की या गुरु की महिमा जो बताई गई है और गुरु के न होते हुए प्रभु का ध्यान जो बताया गया है, उस ध्यान को अच्छे प्रकार से करें, इससे ही पूरा लाभ होगा। अगले किसी वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी नई और दिल लुभावनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रभु चरणों का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।